जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में दिलदार का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। इसी के साथ साथ घर में खुशियों का माहौल है। विराट, अमृता सभी इसमें शामिल हैं। तभी दिलदार अमृता को देखकर कहता है, मिसेस विराट आहूजा, क्या तुम अपने पापा को केक नहीं खिलाओगी? और उतने में ही वहाँ से प्रियंका, जो कि विराट की एक्स वाइफ है, वो सामने से आती है और कहती है, मैं प्रियंका विराट आहूजा अपने ससुर जी को केक ज़रूर खिलाऊंगी। अमृता भी एकदम चौंक जाती है। अचानक से बिन बुलाए मेहमान को देखकर तो हर कोई चौंकता ही है ना। यहाँ तक कि बबीता भी उसे देखकर थोड़ी सी चौंक तो जाती ही है। फिर वो जा कर के दिलदार को जैसे ही केक खिलाने जाती है तो विराट उसके हाथ से केक लेकर नीचे फेंक देता है। प्रियंका विराट से कहती है, इस बदतमीजी का क्या मतलब है? इतनी बदतमीजी तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी? आखिर मैं तुम्हारी वाइफ ही तो हूँ ना, तो फिर ये सब क्यों? तब विराट अमृता के पास जाता है और उसके साथ खड़े होकर कहता है, तुम मेरी वाइफ नहीं हो। प्रियंका उससे पूछती है, ये कौन है? तब वो कहता है, यही है मेरी वाइफ, मिसेस अमृता विराट आहूजा। जब प्रियंका ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराट उसके बाद किसी और से शादी करेगा, लेकिन ऐसा हो गया। उसे बहुत जलन होती है अमृता को देखकर, और साथ ही उसे बुरा भी लगता है, उसे हर्ट होता है कि विराट ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसको अपने पापा को केक नहीं खिलाने दिया। तो वहीं अमृता को बहुत अच्छा लगता है, विराट के दिल में अपने लिए ये जगह देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। विराट और अमृता की कहानी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग मोड ले रही है, लेकिन प्रियंका उसमें जहर घोलने का काम करती रहेगी। अब देखना ये होगा कि इनके रिश्ते की डोर कितनी मजबूत है। इस सीरियल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।